नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। मैं अंजू और मेरे साथ बाबा तो मैडम बबीता और डॉक्टर या मिस्टर गुलाटी। तो हमारी टीम आ गई है आपसे एपिसोड नंबर 3 यानी कि ट्यूसडे के एपिसोड की बात करने के लिए। मगर उससे पहले एक जरूरी काम आपको करना है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर ही हमारी टीम के बंदे आपसे बात करेंगे। तो जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शुरू करते हैं डॉक्टर गुलाटी से। तो गुलाटी साहब, आपको कल का एपिसोड कैसा लगा? मुझे एपिसोड तो देखो मैडम जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप जो बात ना बिग बॉस वाली आनी शुरू हो गई है। जी हाँ, वो आप बिल्कुल सही, बिग बॉस वाली बात आनी शुरू हो गई। अब लग रहा है कि बिग बॉस ने पकड़ लिया है अपनी जो ग्रिप है उसको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे जो आप वो शिल्पा शिंदे की बात सही नहीं लगी मैडम, सच में बताऊं कि वो मेरी जो... शिल्पा शिंदे के बारे में कुछ नहीं बोलना गुलाटी साहब। शिल्पा शिंदे भाई, अब शुरू में शिल्पा शिंदे से शुरू हो गए पहले बेचारी को ट्वीट पे कितने लोग बुरा भला कह रहे हैं। मैं बोलूं मेरे को नहीं अच्छा लगता, चाहे जैसा भी उसने गलत किया सही किया, मगर उसके बारे में इतना सब बोल रहे हैं लोग, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैडम आप वही बात है, काम ऐसा करोगे तो मतलब फिर लोगों के ट्वीट भी सहने पड़ते हैं। यही है, तारीफ भी, पब्लिक तारीफ भी करती है। और मुझे मुझे क्या लगता है ना गुलाटी साहब और बाबा, तो मैडम आप थोड़ा मेरी बात को सुनिएगा फिर ही रिएक्ट कीजिएगा। बीच में मत बोलिएगा कि शिल्पा शिंदे ऐसा क्यों करती है। बीच में उसको भी समझ में आ रही होती है गेम के, मैं किस तरफ मुझे सही बोलना चाहिए किस तरफ नहीं बोलना चाहिए। मगर उसको पता अगर मैं सही नहीं बोलूंगी तो लोग ज्यादा बातें करेंगे मेरे बारे में। जो उसकी बिग बॉस की स्ट्रेटजी बिग बॉस के घर में थी वही उसने यहाँ पे यूज की है। आपको बोलना मैडम ने बोलने के लिए बीच में, मेरे को मना किया, आपको भी मना किया ना, बीच में टपक पड़ते हो गुलाटी साहब। तो मैं तो सही ही बोला है। तो सही गलत मैडम ने बोला ना, पहले मेरी बात पूरे होने दीजिए फिर बोलना। यार तुम लोग तो चुप करो यार, मैडम 5 मिनट बोल दे। मैडम ने बोला था कि नहीं, बात बोलना था कि नहीं मैडम ने? हाँ बोला था यार। गुलाटी चुप कर यार। हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके, मैं आगे बात करती हूँ। कि इसीलिए मुझे जो लगता है शिल्पा शिंदे ने, शिल्पा शिंदे को भी दिख रहा था कि वो जो पठान सिस्टर्स हैं, पठान सिस्टर्स थी ना जिनके बीच में, तो वो गलत जा रही है। उनकी जो जो तरीका था, वो पहले जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें श्री शांत और वो सब इन्वॉल्व थे, प्रैंक हुआ था एक दिन पहले जो बाद में उन्होंने बोला कि हमने प्रैंक किया है, तो उसको लेके वो थोड़ी कमजोर लग रही थी है ना। और जो अपनी दीपिका है कक्कड़, वो स्ट्रांग लग रही थी, ये तो मुझे लगा। देखो मैडम दीपिका तो बिल्कुल स्ट्रांग है, ये बात से आपके मैं 100% एग्री करता हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल, कहीं से भी बिल्कुल दीपिका स्ट्रांग लग रही है। आपको नहीं लगी स्ट्रांग? आप क्यों पीछे रह गए? क्यों बाप की बोलती बंद होगी? तो आप ही नहीं तो बोलना, बोलो ना, बोलो ना। मैंने बोला तो यहाँ गया ना बोलने की, पैसे लेके जहाँ मना किया वहाँ मत बोलो। करो तो बुरा ना करो तो बुरा, क्या करो यार गुलाटी, बोलो कह रहे हैं नहीं। गुलाटी साहब थोड़ा मतलब मैडम का और हमारा सबका मतलब है कि जहां पर जरूरत है वहां पे बोलिए, ये नहीं कि अगर आपस का झगड़ा तो आप चुप ही रह जाएंगे। तो यहाँ हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए तो बात ही करेंगे। तो दीपिका जो है वो स्ट्रांग लग रही है ना। तो दीपिका ने जो भी पॉइंट कल डिस्कस किए वो काफी स्ट्रांग थे, और जो शिल्पा ने बातें की उसमें मुझे जो लगा, आप शायद मैडम शायद मेरे से नाराज हो, मुझे उसमें उसकी जेलसी लगी शिल्पा की दीपिका के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, 100% जेलसी थी। हाँ थोड़ी तो मुझे भी लगी थी जेलसी, प्रोफेशन है क्या तो जेलसी हो ही जाती है ना। जेलसी इसलिए भी नहीं है, और जेलसी इसलिए इसलिए भी नहीं है की बात हो रही गुलाटी साहब, इसलिए भी नहीं है। पूरी बात तो सुनो मेरी यार मैडम। मैडम पूरी बात सुनो, आप गुलाटी साहब को कंफ्यूज मत किया करो। तो ये है कि अरे यार मैं नहीं बोलता, बाबा तो बाप बोल लो पहले। मैं बाबा तो बाप बोलिए, गुलाटी साहब शायद भूल गए। हाँ यार ओ मैडम, आप मैडम, आप बबीता मैडम गुलाटी साहब को इतना कंफ्यूज कर। मैंने सुन लिया तुम्हारा, नहीं सुना। कंफ्यूज कर लिए, पैसे लेते हैं गुलाटी साहब बोलने के, कंफ्यूज होने के पैसे लेते हैं। पर बोलने नहीं देते उनको, आप क्या? मैं चुप रहती हूँ, ठीक है मैं चुप रहती हूँ, आप बोल लो सारे के सारे। नहीं मैं ये कह रहा था कि शिल्पा शिंदे इसलिए क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री ना उसका जब उसकी प्रॉब्लम
सुनवाई थी वो एक सुरेश भाभी जी कर पे शो में से जब उनको निकाला था जी जी जी, तो तब टीवी इंडस्ट्री ने शिल्पा शिंदे का साथ नहीं दिया था, इसलिए शिल्पा शिंदे टीवी इंडस्ट्री से नाराज है। ये बात बहुत पॉइंट की निकाली है गुलाटी साहब, मान गए आपको, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी बात की है कि शिल्पा शिंदे का उस टाइम पे टीवी इंडस्ट्री साथ नहीं था, इसलिए वो भी शायद इसलिए टीवी इंडस्ट्री के किसी भी बंदे को पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि करणवीर वोरा के टाइम पे भी उसने ज्यादा उसका साथ नहीं दिया था। बिल्कुल, वो कॉमनर्स का साथ दे रही है, ये बात तो सही है, बात सही बोली है। और दूसरी बात जो हम लोग आज इसमें करने वाले हैं वो है श्रीशांत के बारे में, श्रीशांत का क्या टेक था, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं हुई, वो क्या कह रहा था, क्या करना चाहता था और उसने क्या किया, मेरे को समझ में नहीं आया, आप लोग बताइए क्या किया उसने। वो संत आदमी जो है ना श्री संत, वो खुन्नस खा गया बहनों के ऊपर। पहले तो शुरू में जो बहनों ने प्रैंक किया ना, उसी बात से वो खुन्नस कह के, ये क्या मतलब हुई कि आप कैमरे के सामने आने के लिए शुरू शुरू में आपको लगता है कि शायद हम चाह जाए तो ऐसा झूठा जो शेर आ गया वाली कहानी नहीं, नहीं बाबा वो तो था हाँ। पर वो ना क्या मुझे लगा कि श्रीशांत को बुरा क्या लगा ना कि उसने जेन्युइनली उनका साथ दिया, कि जब वो बिजनेस में उसी के साथ हुआ था ना झगड़ा, उसने बोला थप्पड़ मारूंगा, तो उसने बकायदा कि ऐसे कैसे थप्पड़ मारेगा, तो उन लोगों ने जेन्युइनली साथ दिया, मगर जब बाद में पता चला कि हम लोग तो ऐसे ही इमोशनल हो रहे थे, ये लोग तो हमारा मजाक कर रहे थे, इसलिए क्योंकि अभी बाबा तोप गुलाटी साहब आप लोग सोचो कि ये जो बंदा है श्रीशांत, चाहे जो भी इसने किया मगर है तो इंटरनेशनल फिगर ना, बिल्कुल सही बात है ना, तो उसकी ऐसे इंसल्ट करेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ यार, और वो उसने कहा कि ठीक है फिर ये कर लो, उसने टास्क ही कैंसिल करा दिया, मतलब वो सोच समझ के किया उसने, मुझे नहीं लगता सोच समझ के किया, क्योंकि मैंने जैसे कल भी एपिसोड में बोला था कि अभी ये टास्क के लिए बहुत जल्दी था, और वही बात श्रीशांत ने बोली कि 48 आवर्स में मैं कैसे जज कर लूं कि इस बंदे में क्या कमियां हैं, तो फिर उसने बेल कर दबाई मैडम जी, अब बेल दबा, ये बात सही भी है आपकी, बेल दबाई ना दबाता किसी और को दबा लेता, बेल भी दबा दीजिए, किसको दबाता है ना, दबा लेता किसको दबाता, वहां पे भी ये कैच पकड़ने में ऐसे ही जल्दबाजी कर देता था, आपने सारे मैच देखे हैं श्रीशांत के, मैं बात बताऊं, बात बताऊं, और यार कहां की बात कहां पे ले गए तुम यार, मैडम ये बात सही है कि वो बेल दबाने में भी जल्दबाजी कर गया, बेल ही ना दबाता तो दूसरा कोई कर लेता, वो पड़ा था अभी एक बंदा और पड़ा था वो दबा लेता बेल, वो कर लेता, बट जो भी था वो चीजें जो कल के एपिसोड में देखी उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या श्रीशांत जो आज ड्रामा करने वाले हैं उस ड्रामे को आगे बढ़ाने वाले हैं, दरवाजे तक तो पहुंच चुके हैं श्रीशांत, नहीं मैडम बाबू इतनी जल्दी रिजल्ट में मत पहुंचिए, मुझे भी ये लगता है कि श्रीशांत बाहर नहीं जाने वाले हैं, वो जरूर कल के कुछ 10-15 मिनट जो है फुटेज देंगे ऐसी जिसमें कि वो जिद करेंगे कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे घर में बिल्कुल नहीं रहना, मुझे ये कर दिया, मुझे तंग कर दिया, और जो उन्होंने मुझे एक चीज और खटकी बाबा तो जो उन्होंने अपब्रिंगिंग वाली बात की है ना, वो बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि ये पॉइंट उनको नहीं कहना चाहिए था खान सिस्टर, उन्होंने मैडम अपने बारे में कहा था कि मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, मैडम ने बाबा तो आपको बोला, आपको बोला तो मैं बोल रही थी, तो उसमें नहीं मैडम बबीता ठीक है वो सबके, मैंने ऐसे नाम लिए सब लोग बोलते, हाँ डिस्कशन है बिल्कुल गलत, हाँ बोलिए आप क्या बोल रहे थे, मैं कह रहा था मैडम जी कि उसने कहा था कि मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी है, हाँ तो मतलब तो वही है ना तेरी अच्छी नहीं है, अगर मैं कहूँ कि मेरे घर वाले बहुत अच्छे थे इसका मतलब मैं थोड़ा कह रहा हूँ तेरे बुरे हैं, नहीं ये बात सही है आप मैडम बबीता खाम खा का कुत्ता मत फंसाइए, बात सही बोल रहे हैं, बट जो ऑडियंस तक भी ये मैसेज पहुंचे ना वो आप ब्रिंगिंग को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन आया, टोन भी उनकी वैसी थी, तो ये चीजें तो इसके लिए बुरा लोगों को भी लगा, घर वालों को भी लगा, सबको लगा, ऑडियंस को भी लगा, जो मुझे लगता है अभी कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा, बाकी आज के एपिसोड में क्या होगा ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, मुझे तो यही लगता है कि ये श्रीशांत का ड्रामा होगा और श्रीशांत वापस घर में रहेंगे, कि दूसरे तीसरे दिन अभी इतनी बड़ी फिगर को बाहर निकालना तो बिग बॉस खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल है ना, तो इसी उम्मीद के साथ कि श्रीशांत होंगे घर के अंदर ही और एंटरटेन करेंगे हमें और भी ज्यादा है ना, तो आप लोग क्या सोचते हो, हमारे व्यूअर्स जो रोज देखते हैं बिग बॉस 12 रात को 9 बजे वो लोग क्या सोचते हैं कि क्या श्रीशांत का ये ड्रामा उनको अच्छा लगा, क्या उनको खान सिस्टर्स को ऐसा बोलना अच्छा लगा, क्या खान सिस्टर्स का ऐसा करना उनको कैसा लगा, तो अपने कमेंट कीजिए, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें आपकी जो चॉइस है वो पता नहीं चलेगी कि आप किसको पसंद कर रहे हैं, तो
कमेंट करते रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बाबा तो मिस्टर गुलाटी और मैडम बबीता का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। चल भी गुलाटी लाइए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.